देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो ये बोला है, इसके तीन अर्थ निकलते हैं। पहली बात, यदि श्री रॉबर्ट वाड्रा पे लगे किसी आरोप पर कांग्रेस अध्यक्षा आकर सफाई देती हैं, तो इसके साथ ही स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वो उन पे लगे आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर लगे हुए निजी आरोप नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अब उनके बचाव में आकर खड़ी हो गई। दूसरी बात यह है कि जब इस ढंग के शब्द शहंशाह जैसे बोलने शुरू किए श्रीमती सोनिया गांधी ने, इसका अर्थ हो गया कि तथ्यात्मक आधार पर, ठोस सबूत पे शायद उनके पास जवाब देने के लिए नहीं है, इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी वो कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि विश्व के, भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राजवंश की राजमाता, यदि इस देश के प्रधान सेवक को शहंशाह कहना शुरू कर दें तो यह अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी तक जितने भी आरोप गांधी परिवार पर लगे हैं, वह सब के सब या तो न्यायालय की प्रोसीडिंग से आए, या जांच एजेंसियों से आए, या विदेश से आए। कोई मामला इटली से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई स्विट्जरलैंड से आ रहा है, पूरे आलम से आपके बारे में चीजें आ रही हैं। तो आलम पना तो आप थे और शहंशाही आप पिछली चार पीढ़ियों से कर रहे हैं, अब आरोप आप हम पे लगा रहे हैं, ये बात निहायत ही बेबुनियाद और बेकार नजर आती है। इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एलिगेशन ऑफ मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा, इट इज हैविंग थ्री इम्प्लीकेशन। नंबर वन, नाउ इट प्रूव्स दैट द एलिगेशन ऑन रॉबर्ट वाड्रा इज नॉट द पर्सनल एलिगेशन ऑन एनी पर्सन, बट इट इज ऑन एंटायर कांग्रेस पार्टी। दैट्स व्हाई द कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज केम ओपनली इन डिफेंस ऑफ दैट। एंड सेकेंड थिंग, इट शोज दैट शी इज नॉट हैविंग द कंक्रीट सब्सटेंटिव एविडेंस टू काउंटर द फैक्ट, दैट्स व्हाई शी हैज रिजॉर्टेड टूवर्ड्स द पोलिटिकल रेटोरिक। एंड थर्ड थिंग, इफ शी इज यूजिंग द फ्रेज लाइक शहंशाह, इट इज क्वाइट क्लियर दैट शी रिप्रेजेंट, शी इज द इम्प्रेस ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड एंड वॉज हैविंग शहंशाही सिंस लास्ट फोर जनरेशन, and putting this type of adjective towards the person who call himself the pradhan sevak of the country, it seems not only baseless but it is ridiculous.